हे गाइस, स्वागत 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 है आप सभी का एक और शानदार जानदार अर्जुना बैच की फोर्थ नंबर की क्लास में। आप सभी का नए जोश के साथ स्वागत है। क्या हालचाल है गाइस? आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर टू। इसका पार्ट नंबर दो पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर तीन में मैंने आपको इसका फाउंडेशन समझा दिया था। अब हम साथियों इसकी क्लास नंबर दो यानी आज हम साथियों फाइनल इसको पढ़ने वाले हैं। ध्यान रहे, अर्जुना बैच एनटीए यूजीसी नेट के लिए रात्रि 9 बजे इस चैनल पर रोज होता है। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जिससे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस पूरे बैच की। वहां पर जाकर आप पूरे प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेज को देख सकते हो। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैं पूरा सिलेबस कवर करवाता हूं यहां पर, पूरा ऑल यूनिट कवर करवाऊंगा। मैथ एंड रीजनिंग अभी चल रहा है, डीआई रिसर्च कम्युनिकेशन, हर एक टॉपिक 10 के 10 यूनिट मैं आपको साथियों कंप्लीट करवाने वाला हूं इस बैच में। स्वागत स्वागत स्वागत। हाय गाइज, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? भाई बीएसटी राजस्थान इतनी बार मत लिख, वो कमेंट आपके ऑटोमेटिक हाइड हो जाते हैं। अगर एक कमेंट को बार बार लिखोगे तो आपके कमेंट हाइड हो जाएंगे और बच्चों का नहीं दिखेगा, या फिर मैं यहां से ब्लॉक कर दूंगा। बहुत शानदार एवरीबॉडी, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी का? स्वागत है। रात्रि 9 बजे लल्लन टॉप गुरु जी आ गए। आज साथियों मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। कल की क्लास में समय ज्यादा होने की वजह से मैंने क्लास बीच में रोक दी थी और आज के लिए चीजें मैंने पेंडिंग छोड़ दी। आज मैं हम लोग डिटेल से आसानी से आराम आराम से समय दूरी को समझने वाले हैं। अगर आपने जीवन में कभी मैथ नहीं पढ़ी, कभी भी 10वीं के बाद आपने कभी मैथ को छुआ तक नहीं है, तो भी आप मैथ सीख कर जाओगे, मेरा वादा है आपको। मेरी क्लास में ए से लेकर जेड तक एबीसीडी और एक से लेकर तक 100 तक आपको गिनती आनी चाहिए बस। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन की। बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हो, एक बार सबके सब लोग लाइक कर दीजिए गाइस, सबके सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मजा आ जाएगा यार। चलिए साथियों, फोर्थ नंबर की क्लास है हमारी, बैच अर्जुना हम लोग पढ़ा रहे हैं। बैच अर्जुना यूनिट नंबर 5 चल रही है, इसकी क्लास नंबर 4 है और टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर आज ये 2 है। ओके, करते हैं शुरू, एक एक चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग लाइव जुड़ रहे हो। मैं बतला दूं कि मैं इस सिलेबस को पूरा करवा रहा हूं। मैंने नंबर सीरीज लेटर सीरीज को पढ़ा दिया है, मैंने कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ा दिया है, अभी मैं समय और दूरी को फाइनल आज की क्लास में कंप्लीट करवाने। तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं छोटे स्तर पे। देखो, तीन चीज होती है हमेशा, क्या होती है साथियों? दूरी, चाल और समय। जब भी हम एक शब्द होता है दूरी, एक शब्द होता है चाल, ओके गाइज, अभी आवाज आने लग गई होगी। एक्चुअली क्या कि माइक्रोफोन ऑफ हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, चार्ज नहीं किया था उसको, माइक्रोफोन हमारा ऑफ हो गया था। ओके गाइज, अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है आवाज? ओके, माइक्रोफोन ऑफ हो गया था। चलिए देखो, हमको क्या करना है, किताब आपने कॉपी निकाली ली होगी, आपको ऑलरेडी मैथ आती है, पर हमारे सामने समस्या क्या है कि हमारे बेसिक्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हमको बेसिक्स नहीं आते। तो मैं इस क्लास में बेसिक्स से आपको समझाऊंगा। देखो, समय दूरी की जो प्रश्नावली है ना, उसमें तीन चीज होती है। समय दूरी की प्रश्नावली में तीन चीज होती है, एक तो दूरी, एक चाल और एक समय। दूरी, चाल, समय, तीन चीज होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, दूरी किसे कहते हैं? कि मान लो जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी, जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी, मतलब दूरी का मतलब क्या हुआ? इधर देखिए, इस जगह से इस जगह की दूरी, इसको कहते हैं दूरी,
किससे कहते हैं, इसको कहते हैं दूरी। चाल का मतलब क्या हुआ, चाल का मतलब कोई आदमी चलकर जाए। अगर मान लो चाल का मतलब क्या हुआ कि इस पर कोई आदमी चलकर जाए तो उसकी स्पीड क्या है, मान लो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की है तो 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, चाल हो गया। समय कितना लगता है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में क्या लगेगा, समय लगेगा। बेसिक से समझो, बेसिक से समझने की कोशिश करो। तीन चीज होती है, दूरी, चाल और समय। किसी भी चीज में दूरी, चाल, समय। एक बार मुझे कमेंट्स करके आप लोग ये बता दो, क्या आप दूरी, चाल और समय का मतलब समझ गए हो क्या? क्योंकि मैं जीरो से हीरो बनाने का प्रोसेस लेकर चलूंगा, क्योंकि अगर आप जीरो की चीज नहीं समझे तो आप हीरो नहीं बन सकते। एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दो कि हम दूरी, चाल और समय को समझ चुके हैं। आवाज आ रही है, क्यों नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है ना, क्यों नहीं आ रही आवाज? कुबारी आवाज, तो आवाज आ रही है ना, क्यों नहीं आ रही आवाज? एक बार दोबारा बता दो, एक बार दोबारा बता दो। इस प्रश्नावली के अंदर तीन चीजें हैं, एक है दूरी, एक है चाल और एक है समय। दूरी का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति को दिल्ली से जयपुर जाना है, तो दिल्ली से जयपुर के बीच जो क्या है, दूरी है, ये कितनी दूरी है। अब चाल का मतलब क्या होता है, कोई आदमी अपनी बाइक से जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो उसको कहते हैं चाल। उसको मान लो जयपुर पहुंचने में 2-3 घंटे का समय लगा, उसको कहते हैं समय। चाल, दूरी, समय, इसी को कहते हैं। आवाज तो आ रही है यार, कैसे नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है, मुझे सामने मॉनिटर में दिख रही है ना आवाज। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम पहले जीरो, थोड़ा सा न्यूट्रल क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम कठिनतम क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। तो आप लोग एक्साइटेड हैं पूरी तरीके से? एक बार कमेंट्स में आप अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए और आपका टारगेट क्या है। देखो आपका टारगेट अगर नेट है ना, तो नेट लिख दो और फिर सब्जेक्ट का नाम लिख दो। अगर आपका टारगेट जेआरएफ है तो जेआरएफ लिखो और अपना सब्जेक्ट का नाम लिखो, तो मुझे टारगेट का आइडिया आ जाएगा कि आपका टारगेट क्या है। पहले नेट भी लिखो साथ में, नेट और जेआरएफ भी लिखना है साथ में। चलिए अब हम एक चीज को समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही है और 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा उसको। देखो मैं आपको पहले तीन सूत्र लिखवा देता हूं। सूत्र नंबर एक, लिखो कॉपी में, नोट करो इसको पहले, सूत्र तीन सूत्र लिख दो कॉपी में, नोट करो इनको, अभी कॉपी निकालो नोट करो। सबसे पहले दूरी निकालने का सूत्र किसे कहते हैं, दूरी। हमको सबसे पहले दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए क्या सूत्र का काम आता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, यह दूरी निकालने का सूत्र है। ठीक, आगे और अच्छी तरीके समझें, कुछ बेसिक समझ रहे हैं आज हम, है ना। अब मान लो हम दूसरा चीज निकालेंगे, चाल। चाल निकालने का सूत्र क्या है, चाल निकालने का सूत्र है साथियों दूरी बटे समय। क्या है दूरी, मैं हट रहा हूं, चिंता ना करें, नोट कर लो, हट रहा हूं। दूरी बटे समय, और यहां पर समय निकालने का सूत्र क्या है, हट रहा हूं, दूरी बटे चाल। ये तीन सूत्र लिख लो आप, ये काम आएंगे आपकी प्रश्नावली में, अभी काम आने वाले हैं, लिख लो एक बार, इनको नोट करो, मैं हट रहा हूं सामने से, एक बार नोट करो इनको कॉपी में। सबसे पहले पेज पर नोट कर लो तीनों चीज, तीन सूत्र हैं, सूत्र नंबर एक, दो और तीन, ये तीन सूत्र हैं, नोट करो इनको, कर लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए अब हम चीजों को समझते हैं। देखो अपना टारगेट है, बिल्कुल बेसिक से मैथ समझा देना आपको। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है, कितने किलोमीटर की गति से दौड़ रही है, रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है, तो उसकी चाल क्या है महाराज, चाल क्या है उसकी, चाल बराबर क्या है 75 किलोमीटर, है ना, 75 किलोमीटर प्रति आवर इसकी क्लास है, ये इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
ये इसकी सातवीं स्पीड है। ये इसकी स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर आवर की इसकी स्पीड है। अब हमको दूसरी चीज क्या रखे, दूरी इसमें तय करने में कितना समय लगेगा, 300। अब हमको क्या दे रखे यहां पर, दूरी दे रखी है। दूसरी चीज क्या दे रखे, दूरी दे रखे। देखो मैं साइड में हट रहा हूं, आप चिंता ना करें, 350। भाई इस चीज को देख लियो, इसको समझ लो, इतना समझ गए आप। देखो हमको सबसे पहले क्या लिख रहा है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है। तो 75 किलोमीटर की क्या है इसमें गति है, चाल है उसकी, चाल, चाल स्पीड। तो हमने चाल क्या कर दी, 75 किलोमीटर कर दी। 350 किलोमीटर उसको दौड़ना है, तो हमने हमारी दूरी क्या है, 350 किलोमीटर होगी, 350 किलोमीटर है ये, है ना। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको समय निकालना है। क्या निकालना है, हमको निकालना है समय। समय का मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक सूत्र बताया था, दूरी बटे चाल। क्या सूत्र बताया था, दूरी बटे चाल। अब दूरी बटे चाल के हिसाब से हमको इन संख्याओं को जमा देना है। अब दूरी कितनी है यहां पर, इधर देखिए दूरी कितनी है, दूरी 350, चाल कितनी है, 75 किलोमीटर। काटो, चलिए काटना मैं सिखा दूंगा, आप चिंता मत करो, बिल्कुल मत घबराओ, काटना मैं आपको सिखला दूंगा, काटिए। चलिए किससे काटें, आपको कितने लोगों को काटना आता है, चलिए एक बार बताओ, आप में से कितने लोगों को काटना आता है, ऐसे संख्याओं को काटना आता है, काटना पीटना कितने लोगों को, अगर कितने को नहीं आता है, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे नहीं है, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती भी हाथ ऊपर कर रहे होंगे, सर मुझे आता है, सर मुझे आता है, सर मुझे आता है। अरे भाई आप कोई ऑफलाइन कोचिंग में नहीं हो कि वहां पर आपका बगल वाला या बगल वाली देख लेगी, कि मान लो कई बार स्कूल में नहीं होता था कि जैसे टीचर ने कहा भाई ये सवाल किस किस से आता है, ये सवाल टीचर पूछते ना, ये सवाल किससे आता है, तो जो कि बगल में बगल वाली या बगल वाला बैठा रहता है, तो लोग क्या करते हैं अपने हाथ को ऐसे करेंगे, इतना देखो, इतना इतना करेंगे अपने हाथ को ऐसे, टीचर को यह लगना चाहिए कि इसने हाथ नहीं उठा रखा, लेकिन बगल वाली को या बगल वाले को यह लगना चाहिए कि इसने हाथ उठा रखा है, इस पे आता है, इस पे तो आता है, इसने हाथ ऊपर उठा रखा है, लेकिन जैसे टीचर देखेगा उस अपनी तरफ कान खुजाने लग जाएंगे ऐसे, लेकिन जैसे बगल वाली देखेगी ऊपर को हाथ कर लेंगे। भाई वहां फायदा होता था हाथ ऊंचा करने में, यहां कोई फायदा नहीं है आप लोगों का, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से काम करो, नहीं आता है तो वो लोग नहीं आता है। देखो अगर हमको काटना होता तो इस संख्या को हमको काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, पांच से इसको काटते हैं, देखो यहां पर जीरो है ना, पांच का भाग चल जाएगा, तो इसको मैं सबसे पहले आपको पांच से काटकर बतला देता हूं कि पांच से हम इसको कैसे काटेंगे। देखो सबसे पहले पांच का भाग देना है इसमें, देखो पांच का भाग आपको यहां देना है सात में, इधर देखो सात में भाग देंगे पांच का, पहली जो संख्या होती है ना शुरुआत की उसमें भाग देते हैं, पांच एकम पांच, कितना गया, एक बार गया, कितना बच गया, छह सात, दो बार दो बच गया, भाई पांच का भाग मैंने सात में दिया, पांच एकम पांच एक बार आया, मैंने नीचे एक लिख दिया, बच कितने गए, दो बच गए ना, सात में और पांच में दो का अंतर है, दो बच गए। अब दो का, दो को हम यहां लगा देंगे एक तरीके से, यानी कि ये जो पंद, ये जो पांच है ना, इसके आगे हम दो को लिख देंगे, इसके आगे दो लिख देंगे, तो ये पूरा दो शब्द मिलकर क्या हो गया, 25 हो गया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये हमारे 75 है, हमने इसको पांच से काटा, तो पांच एकम पांच, दो बच गया, तो दो मैंने यहां लिख दिया, तो ये शब्द हो गया 25, तो इसकी तरह से ये 25 हो गया, तो पांच एकम पांच, पांच दो दस, पांच तीन पंद्रह, पांच चौक बीस, पचम 25, यानी 15 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, 15 बार कट गया। आगे देखते हैं, अब पांच से इसको काटते हैं, पचम 25, पांच छह की 30, पांच सात 35, सात बार कट गया पूरा 35, और ये जीरो है, इसको जीरो लिख दिया, यानी कि 70/5 हमारा क्या है यहां पर, आंसर क्या है, कितना समय लगेगा, 70/5 हमारा समय लगने वाला है। अब 70/5 को भी काट दो, काटो 70/5 को काटो, आगे ये यहां से भी आगे कट जाएगा, अगर संख्या कट रही है तो उसको काटते जाओ यहां से आगे, और काटे कितने से काटेंगे, पांच एकम पांच, काटो चले उसको,
15 है ना, ये 15 था, 5 × 15 तीन बार गया और साथियों ये 14 बार कट गया, यानी 14 बटे कितना हो गया, 3 हो गया साथियों। भाई 5 से कट रहा है ना ये 5 से 14 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। अब अगली संख्या जो हमारे पास बची है वो कितनी बची है, 14/3 बची है। कितनी बची है अब हमारे पास संख्या, एक बार देख लीजिए, 14/3 हमारे पास संख्या यहां पर बची है। अब 14/14 को भाग देते हैं। अब देखो इधर को, ये हमारे पास क्या आ गया, समय आ गया है, पर यार ये घंटों में नहीं आया है। 14/3 हमारे पास समय तो आ गया है, लेकिन ये समय अभी घंटों में नहीं आया है, लेकिन ये समय घंटों में नहीं आया। 17/15 के बाद में 14/3 आया है, लेकिन ये घंटों में समय नहीं आया है। अब घंटों में कैसे निकालेंगे इसको, घंटों में निकालने के लिए इधर देखिए आप, घंटों में कैसे निकालेंगे, तो 14 में भाग दे देंगे हम 3 का। भाई 14/3 है ना, 3 का भाग देते थे, चलो 3 × 3 3 × 2 = 6 3 × 4 = 12 लैपटॉप चार्ज में लगाओ भाई, मिस हो गया, 3 × 4 = 12 कितना हो गया, 3 × 4 = 12 चार बार गया 12 मैंने यहां लिख दिया, कितना बच गया, 2 बच गया। अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बच गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लिख देंगे 3 × 2/3 अरे 4 सही, माफ करना 4 आ गया, इतना घंटा आ गया। अभी भी आप कंफ्यूज में होंगे, सर इसका भी घंटा निकालो, अभी भी यहां घंटों में मिनटों में आना चाहिए। अब यहां पर क्या हो गया, 4 घंटा और इतनी मिनट, इसका मतलब क्या हो गया, 4 घंटा और इतनी मिनट हो गई है, समझते जाओ पूरा। मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, दोबारा से फिर से करवाऊंगा, चिंता ना करो। अब हमको 4 घंटा और 2/3 की मिनट क्या होती है ये निकाल देते हैं। तो भाई 4 तो घंटा हो गया, इसको तो हम डायरेक्ट हटा ही देते हैं, ये तो 4 आवर हो गए, 4 घंटा लिख दिया मैंने, अलग से लिख दिया 4 घंटे लिख दिए, लेकिन 2/3 का हमको मिनट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 इसमें भाग दे देंगे 60 का। चलो देख के बताओ इनको भाग दे देंगे, तो ये दोनों संख्या जो है ना साथियों, ये गुणा हो जाएंगी, 60 × 60 = 120 में 3 का भाग दे देंगे, तब जाकर आप अगर 3 का भाग यहां पर देंगे, 120 में 3 का भाग देंगे तो 40 निकल कर आएगा, अर्थात 4 घंटे 40 मिनट है का कोई इसमें, ये आंसर आ जाएगा 4 घंटे का। मैं फिर से समझाने वाला हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, एग्जाम का स्तर ऐसा ही आता है, इसलिए ऐसा ही सवाल करवा रहा हूं, सवाल में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, इतने ही कठिन सवाल आते हैं, इसलिए ये करवा रहा हूं मैं आपको, 4.40 आंसर। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस सवाल को, मैं फिर से दोहरा देता हूं, फिर से करें इसी सवाल को, फिर से पढ़ें। आज मैं पूरी प्रश्नावली कंठस्थ करवा कर ही जाने वाला हूं, इस सवाल को फिर से पढ़ें, फिर से देख लें, बोलो एक बार कि सर फिर से देख लो, लाइक कर दो एक बार, तो वीडियो को जितने लोग लाइक करेंगे एक बार, इतने सारे लोग देख रहे हैं, लाइक करो यार सब लोग, मुझे मजा आता है, लाइक करवाता हूं। तो चलिए, जब आप सीख जाओगे तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, अब तो आपको सिखाना पड़ रहा है। फिर से करते हैं इस सवाल को हम लोग करते हैं, फिर से कर लेते हैं इस सवाल को, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। इतनी बात तो आपको आ गई है ना, इतनी बात सही है। देखो, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर घंटा की स्पीड से दौड़ती है, तो यानी कि हमारी चाल क्या हो गई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल हो गई। वो 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि दूरी हमारे सामने 350 किलोमीटर आ गई। अब हमको क्या करना है, समय निकालना है। तो मैंने समय का आपको सूत्र बताया था, दूरी बटे चाल। क्या साथियों, समय का सूत्र क्या बताया था, दूरी बटे चाल, ये समय का सूत्र बताया था, दूरी बटे चाल। अब यहां से आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, सिखा कर जाऊंगा। जिन लोगों में पेशेंस है,
वो इस एग्जाम को पास करेंगे। सफलता केवल आपका धैर्य परखती है। चलिए अब हम इसमें संख्या जमाते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। अब इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या जमाते हैं, संख्या जमाते हैं। दूरी कितनी है, 350। पेन का रंग चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूरी कितनी है, 350। चाल कितनी है, 75। समय निकाल रहा हूं मैं। अब हमको सीधा सीधा सवाल आ गया है, बस संख्याएं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं। अब हमको इसको काटना है। इस संख्या को मैं यहां पर 5 से काट रहा हूं गाइस। इस संख्या को मैं यहां पर 5 से काट रहा हूं। इस संख्या को मैं यहां पर कितने से काट रहा हूं, 5 से काट रहा हूं। काटूं 5 एकम 5 और 5 25, 15 बार कट गया। काटना सिखाता हूं दोबारा। शुरुआत की संख्या 7 है, स्टार्टिंग की 7 में भाग दो 5 का। 7 एकम 7 एक बार गया, 1 लिख दिया नीचे, 2 बच गए, 2 को 5 के साथ अटैच कर देंगे, 25 बन गया। 5 का 25 बन गया, 5 के आगे 2 लिख देंगे तो 5 का 25 बन गया। तो फिर 5 का भाग देंगे 5 25, तो 5 बार चला गया, 15 कट 15 आ गया। उसी तरीके से ऊपर इसको 350 को काटेंगे हम गाइस। 350 काटेंगे, 7 5 35, 7 बार गया और इस जीरो को यहां पर जीरो लिख दिया ऐसे कैसे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आगे जो संख्या छूट कर आई है 17/15 आ गई। अब हमको इस 70/15 को भी काटना है। क्या करना है, हमको 70/15 को भी यहां पर काटना है। किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 काटेंगे, 5 × 15 3 बार भाग चला गया है ना, और यहां पर फिर 5 का भाग दो, 5 × 5 एक बार चला गया। देखो 5 × 5 एक बार चला गया। अब कितने बचे, 2 बचे, 2 किसके आगे आ जाएंगे, 0 के आगे 2, 4 बार चलेगा, 5 × 20। अब हो गई संख्या हमारी 14/3। अब संख्या कितनी होगी हमारी, 14/3 संख्या हो गई है। कितनी होगी बेटा, 14/3 हमारी संख्या हो गई है। यानी 14/3 इतना टोटल समय हमको लगेगा, लेकिन 14/3 को घंटों में कन्वर्ट करना है। ये डायरेक्ट 14/3 नहीं, घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देंगे। आओ अब कैसे करेंगे, अब हम यहां पर इस संख्या को और छोटा कर लेते हैं, 3 का भाग दे देते हैं बेटा 14 में। 3 का भाग 14 में देंगे, कैसे देंगे, 3 × 3 3 × 2 6 3 × 4 12 3 × 4 बार गया और 14 12 यहां लिख दिया, बच गया कितना, 2। अब 2 को 3 का भाग में नहीं दिया तो इसका मतलब ये होगा अगले जो संख्या हो गई वो हो गया 4 घंटे 2.3। ये हमारी संख्या हो गई साथियों, आगे कितनी हो गई, 2/3 ये हमारी संख्या हो गई। अब हमको पता लग गया कि 4 घंटे और इतनी मिनट हैं, तो 4 घंटों का तो पता लग गया लेकिन मिनट का पता नहीं लगा। तो अब हम यहां पर मिनट निकाल लेंगे। इधर देखिए, इधर इस संख्या को यहां लिखता हूं 4 × 2/3 को मैं यहां लिख रहा हूं और मिनट निकाल रहा हूं। 4 घंटों का तो मुझे पता है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं यहां पर करूंगा 2 × 2/3, मैं 60 का भाग दूंगा। मुझे एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, हमको मिनट निकालनी है। तो इन दोनों संख्याओं में 60 का भाग दे दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या से गुणा कर देंगे, तो 60 और 60 क्या हो गया, 120 हो गया। और 120 में भाग कितना दे देंगे, 3 का दे देंगे। अगर हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा 4 घंटे 40 मिनट। अब बताओ समझ लगा, कितना प्रतिशत समझ आ गया आपको, प्रतिशत में जवाब दो सारे लोग, कमेंट्स करके बताओ कि इतना प्रतिशत हमको समझ आ गया है एक क्वेश्चन में, कमेंट करके बताओ प्रतिशत में। चलिए अब मैं आपके कमेंट देखूंगा एक बार। देखो प्रश्नावली ट्रिकी है, 100% बताओ, बताइए, करते जाइए, सोचिए सोचिए, दिमाग पर जोर दो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं, हमको चिंता ना करें आप लोग। देख लीजिए,
अब हम कल वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन हमने लास्ट में किया था और उसको हमने ये कहा था कि समय हो गया है, मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैंने कल की क्लास में ये कहा था कि समय हो गया, इस पूरी प्रश्नावली के लिए पूरी क्लास चाहिए, और अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस पर आपको ले चलता हूं। अभी चाहो तो इस प्रकार के क्वेश्चंस और कर सकते हो गाइस। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 23 एक बार आप यहां पर जरूर से देख लीजिए, 23 वाला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए गाइस। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखने, सात नंबर वाला क्वेश्चन देखो, देख एक बार। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। अरे कहां गया हमारा ये क्वेश्चन, हमारा चल वाला मैंने लगाया तो था यार, लगाया था भाई, कहां गया? अरे लगाया तो था यार, कहाँ गया, किधर रख दिया? 3723, हाँ 3723, हाँ ये वाला, ये रहा वो क्वेश्चन, 2019 वाला एक क्वेश्चन है ये रहा। चलिए इसको आप पढ़िए और मैं इसको अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, 2019 में क्वेश्चन आया था, करिए एक बार करिए आप लोग, मैं इसको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। कमेंट देख रहा हूं सबके, मैं कमेंट देख लेता हूं एक बार, आप लोग ट्राई करो करने की, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। सर लास्ट वाला क्वेश्चन करवा दो प्लीज, करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, लास्ट वाले क्वेश्चनों पर ही आ गए हैं हम। देखो बेसिक्स सीखना बहुत जरूरी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बात बताओ यार, आपको मेरी क्लासेज में मजा तो आ रहा है ना गाइस, मेरी क्लासेज में मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को? देखो ऐसा है कि मैंने जो आपका हाथ थाम लिया है ना, ये केवल नेट जेआरएफ पास करवाने के लिए नहीं थामा है, मैं आपको नेट जेआरएफ भी पास करवाऊंगा। जब आप पीएचडी करोगे तो मैं आपको बताऊंगा प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, मैं आपको ये भी बतलाने वाला हूं कि कैसे इंटरव्यू देनी है, कौन सा टॉपिक लेना है, हर चीज में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मतलब नेट जेआरएफ से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक के सफर में मैं आपके साथ रहूंगा, और ये सारा रास्ता चाहे नेट जेआरएफ पास करने का हो, चाहे पीएचडी पास करने का हो, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने का हो, ये सारे रास्ते मैंने पार कर लिए हैं, तो इसलिए मैं आपको इसमें बेहतर सलाह दूंगा जो आपको मददगार साबित होगी। गांडी विधारी अर्जुन, मैथ वीक है इसलिए तो सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। अपने हिसाब से आंसर दीजिए इसमें। अब मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं, जैसा कि हमने आप लोगों के लिए पढ़ा था उस तरीके से, अब मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। कॉपी पेन निकालो और बेसिक से समझ समझ कर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको दूरी का पता, दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशा में प्रस्थान करते हैं। दो साइकिल सवार हैं, मान लो एक ये रहा साइकिल, ये स्थान है, एक व्यक्ति इधर को जाता है और एक व्यक्ति इधर जाता है, मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में प्रस्थान करते हैं। एक साइकिल सवार प्रति घंटा
9 किलोमीटर की गति से उत्तर दिशा में जाता है। अच्छा, उत्तर दिशा में जाता है, ये वो स्थान है जहां से साइकिल वाले चलेंगे। एक व्यक्ति है जो इधर की साइड कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, अन्य साइकिल सवार प्रति घंटा 10 किलोमीटर की गति से दक्षिण दिशा में जाता है, यानी कि एक दूसरे के विरोध में जाते हैं, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है। तो दोनों साइकिल सवारों को एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 45.5 किलोमीटर होने तक कितना समय लगेगा, अर्थात हमसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो हमको यहां पर क्या दे रखा है, हमको यहां पर दे रखा है, एक तो सबसे पहले दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ, दूरी दे रखी है 47.5, 47.5 हमारी क्या है, दूरी है 47 पॉइंट, इतना इतनी बात समझ गए भाई। दूरी का, दूरी थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ए दूरी, दूरी कितनी है 47.5, ये बात समझ गए आपको, ये 47.5 कहां से आया इस बात का पता लग गया, समय निकालना है, समय 47 कहां से आया पता लग गया, चाल कितनी है हमारी, चाल, चाल, अब देखो चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है, चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों लोग चल रहे हैं, एक व्यक्ति इधर को जा रहा है, एक व्यक्ति इधर को जा रहा है, यानी दोनों लोग अपनी अपनी स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन दूरी तो ज्यादा हो रही है ना, तो यहां पर क्या करेंगे, 9 + 10 हमारी चाल होगी 19 किलोमीटर प्रति घंटे की। इस बात को समझ गए क्या, 19 कहां से आया है, 19 कहां से आया है, चाल, यानी हमारी गति किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, चाल हमारी क्या है, गति हमारी क्या है, क्या हम इसको समझ गए, 19 कहां से आया, 19 कहां से आया, समझ गए इसको पक्का। अब हमसे सवाल क्या पूछा गया है, हमसे सवाल यह पूछा गया है कि समय बराबर क्या होगा। तो समय बराबर सूत्र मैंने आपको बार बार समय बराबर सूत्र बतलाया है, क्या सूत्र बताया मैंने आपको, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यही सूत्र बतलाया है ना गाइज, क्या मैंने आपको यही सूत्र बताया समय निकालने के लिए, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यही सूत्र बतलाया है समय निकालने के लिए, दूरी बटे चाल। तो हम यहां पर लिख देंगे सबसे पहले दूरी कितनी है हमारी, बहुत आसान है, 47.5 हमारी दूरी है, कितनी है हमारी दूरी, कितनी है 47.5 हमारी दूरी है, तो दूरी बटे चाल में क्या लिखेंगे, 47.5 दूरी है, चाल कितनी है हमारी, 19 की हमारी चाल है। आप 19 का भाग दे दो आप 47.5 में, 47.5 में 19 का भाग दो, चलो 47.5 में 19 का भाग दीजिए, निकालो। बहुत से लोगों ने कहा है कि 2.5, अब 2.5 सही बात है, 2.5 आया कैसे है, अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा 2.5 कैसे आया है, निकाल लेते हैं। देखो बेटा, जब ऐसे होता है कि जब भी कोई ऊपर पॉइंट लिखा रहता है ना, इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं, अगर नीचे जीरो लगा दिया, अगर मैंने नीचे जीरो लगा दिया ना, इस पॉइंट को हटा दिया, जीरो लगा दिया, तो इन दोनों का भाग देंगे तो 2.5 समय लगेगा, अर्थात 2 घंटे, और ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो, केवल समय निकलवाया है आपसे, केवल इन्होंने समय निकलवाया है, आपको दूरी दे रखी है, आपको चाल दे रखी है, और आपसे समय पूछा है, उसका सूत्र बनता है दूरी बटे चाल। अब बताओ 2019 में पेपर में कहां कठिन क्वेश्चन है ये, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आप में से कोई ये चाहता है गुरुजी यहां से भी सॉल्व करो, तो मैं यहां से भी सॉल्व कर दूंगा, आप एक बार देख लो, लेकिन इसको मैं अब आपके कमेंट देखने वाला हूं, अब मैं आपके मैं हट रहा हूं साइड से, इधर ए इधर आ जाता हूं, ए इधर आ जाता हूं, चलिए अच्छा चलिए बताइए आपकी स्पीड को सही करिए यार, मेरी तो सही चल रही है,
मोना कह रही है मुझको इससे पहले वाला समझ नहीं आया, फिर से समझा देंगे, पर अभी इस वाले पर ध्यान दो, अभी इस वाले सवाल पर ध्यान दो, पिछले वाला बाद में देखना। आ गया सो परसेंटेज लिखो, कितना प्रतिशत आपको समझ आया, फिर से समझा दूंगा, घर का मास्टर घर का आप हो, मैं फिर से समझा दूंगा आपको। साइकोलॉजी टीचर बता दीजिए, हाँ बता देता हूं, देखो अरे नहीं नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूं, आप भगवान हो सर मंकेश रॉय, अरे नहीं बेटा यार ऐसी बात नहीं है, दोस्त मेरे भाई मेरे बंधु, मैं आपका दोस्त हूं और आपको आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। वेरी गुड, मेरी क्लास पेपर वन के लिए इनफ है, अगर जिस व्यक्ति ने मेरी क्लास देख ली पेपर वन में एक शब्द कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजन समझो क्यों, इसलिए नहीं है, आप मार्केट में बहुत सारी गाइड देखते होंगे, बहुत सारी गाइड आप देखते होंगे मार्केट में, वो गाइड आज से 3-4 साल पहले लिखी गई है, वो गाइड आज से 3-4 साल पहले लिखी गई है, लेकिन जो एग्जाम है ना हर 6 महीने अपने स्तर को बहुत ऊंचा बढ़ा रहा है। मान लो कोई किताब है जो 2018 में लिखी गई है, अब वो 2018 तक की एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ही उनको लिखा गया था गाइड्स को, लेकिन आज का जो एग्जाम का लेवल है वो अलग लेवल का आ रहा है, तो वो एग्जाम उसको बीट ही नहीं कर पाएंगे वो किताब है। लेकिन जो हम लोग जो पढ़ाते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं, वो आज के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अभी 2022 में कैसा पेपर आया है, 2023 में कैसा पेपर आया है, उसको ध्यान में रखकर अपने नोट तैयार करते हैं, इसलिए ये परफेक्ट होते हैं। इसलिए मैं मेरी क्लास में दावा करता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने रोज डेली क्लास देख ली और नोट्स में देता हूं, आपको पता है नोट्स मिली जाएंगे आपको, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में एक लिंक पिन होता है जिस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट नोट्स पर पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो आप वहां से जाकर नोट्स को डाउनलोड कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको कोई और चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरी गारंटी है। अब बताओ पेपर वन का मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा, बस आप आओगे तो, अगर आप लोग आना बंद कर दोगे तो मैं फिर पढ़ाता बंद कर दूंगा, बट आप लोग आते रहो मैं पढ़ाता रहूंगा। चलिए अब मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूं, लेकिन फिर से एक बार समझाने से पहले आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं ये टीचर कहां मिलेगा वो टीचर कहां मिलेगा, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप अपने हिसाब से करने की एक बार कोशिश करो, मैं जब तक पानी पी के आता हूं, पानी ले आता हूं, फिर हम लोग सब मिलकर करेंगे इस सवाल को, करिए आप लोग। गाल दे ना ना ना, बट दूध तो दे, दूध तो वैसे, अरे मज्जा 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 मैं दे रहा हूं, दे रहा हूं। अरे ये तो खराब हो रहा है, वो कप में दे दो, कप में बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। क्या सवाल आया, मेरी आवाज तो आपको आ रही होगी क्योंकि ये तो वायरलेस माइक है ना, दूर तक काम करता है। किया कुछ किया क्या, साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो कफा ये है, पूरा गाना नहीं गाऊंगा भाई। चलिए गाइज करिए करिए करिए, सवाल को सॉल्व करिए, बड़ा सरल है, अरे बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने आपको जो सूत्र लिखाया ना उसी सूत्र के आधार पर आपसे क्वेश्चन करवा लिया जाएगा। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को,
जिन लोगों को कुछ समझ कम लगा है इस क्लास को फिर से देखना, जिन लोगों को थोड़ा सवाल कम समझ लगा है उसको इस क्लास को फिर से देखना है उनको। मेरा कमेंट नहीं पढ़ते आप कभी भी, रौली पाल। अरे बेटा रौली, अगर आपके कमेंट नहीं पढ़ता तो मैं ये कमेंट कैसे पढ़ता। देख रहा हूं सबके कमेंट देख रहा हूं मैं। अरे सबका देख रहा हूं। देखो ऐसा होता है कि जब मैं उस समय जब बोर्ड पे पढ़ाता रहता हूं ना, देखो मैं कमेंट देखता हूं इस वाले मोबाइल में यहां पर, है ना, जब मैं बोर्ड पर इधर को मेरा चेहरा रहता है तो कितने भी कमेंट आते हैं मैं नहीं देख पाता हूं। जब मैं इधर को फेस करता हूं, मोबाइल हाथ में लेता हूं, तभी कमेंट देखता हूं। भला ऐसा नहीं मैं किसी के कमेंट देखता हूं किसी के नहीं देखता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चले समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन। दो व्यक्ति 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर। मान लो एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति यहां है, एक व्यक्ति ने इधर चलना शुरू किया, एक व्यक्ति ने इधर चलना शुरू किया। ध्यान से समझो इस चीज को। दो व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, यदि उनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की, मान लो इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है और इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। शुरुआत में इनकी दूरी मान लो यहां से लेकर यहां तक क्या दूरी है, 25 किलोमीटर की है, तो वो कितने बजे आपस में मिलेंगे, जबकि एक स्लो चल रहा है और एक तेज चल रहा है, एक तेज चल रहा है और एक साथियों स्लो चल रहा है। अब बताओ कि वो कितने बजे आपस में मिलेंगे जबकि वो चले थे 7:30 बजे। अब आपने पढ़ा और उसके बाद में आप लोग कंफ्यूज हो गए, घबरा गए और आपने सब कुछ छोड़ दिया कि सर अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसा भाव आपके मन में आ रहा है। लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले हमको चाल दे रखी है, चाल कितनी है, मैं आपको यहां पर चाल लिख दूं। चाल चाल क्या है, चाल बराबर क्या है, देखो दो व्यक्ति हैं, एक 4 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है और एक व्यक्ति चल रहा है 6 किलोमीटर के हिसाब से, यानी दोनों व्यक्तियों की स्पीड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चाल है हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। बराबर, इतनी बात समझ लगी। चाल का हमको क्या लग गया है साथियों, यहां पर चाल का हमको पता लग गया है, क्या लग गया है, चाल का हमको अब पता लग गया है कि चाल कितना है। अब हम समय का पता लगा लेते हैं कि यार हमारे पास समय क्या है, और दूरी इन्होंने ऑलरेडी हमको दे रखी है, दूरी इन्होंने हमको दे रखी है, लेकिन यहां पर हम समय का पता लगाते हैं कि समय हमारा क्या है। अब देखो एक बात समझो कि 25 किलोमीटर की दूरी हमको इन्होंने दे रखी है, क्या दे रखी है, ये दूरी कितनी दे रखी है हमको, 25 किलोमीटर की इन्होंने हमको ऑलरेडी दूरी दे रखी है, तो 25 किलोमीटर जाने में उनकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड है, तो दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर देखो, दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है साथियों 25 किलोमीटर, इसमें भाग दे देंगे 10 का, एम आई राइट, सूत्र लिखा रखा है आपको, सूत्र लिखा रखा है यहां पर, 25 में 10 का भाग दे देंगे, 25 में अगर हम 10 का भाग यहां पर दे देंगे, अरे दूरी क्या कहूं, ये दूरी नहीं समय, तो भाग देकर देख लो ये साथियों 2.5 HR आएगा, 2.5 घंटे, भाग देकर देखो, भाग देकर देखो गाइज, 2 घंटे 30 मिनट आ रहा है कि नहीं आ रहा,
2:30 आ रहा है भाई, 2 घंटे यहां तक किस किस का सवाल सही है यहां तक देखो, आप आगे की बात छोड़ दो ना भाई। सबसे पहले हमको चाल दे रखा है 10 किलोमीटर, दूरी दे रखी है 25 किलोमीटर, समय निकालना है ना, तो हमको क्या करना, दूरी बटे चाल लिख दी हमने, हमने समय का आपको कितनी बार सूत्र बता दिया है, समय का सूत्र मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था आपको, दूरी बटे चाल, समय का सूत्र दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी लिख दी 25 किलोमीटर, चाल कितनी है 10 किलोमीटर के हिसाब से, तो समय निकल जाएगा 2.5 घंटे, यानी कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 2.5 घंटा। लेकिन हमसे सवाल पूछा है कि वो कितने बजे आपस में मिलेंगे, टाइम कितने बजे वो आपस में मिलेंगे, हम तो ये लगा दोनों व्यक्तियों का आपस में मिलने का समय क्या है वो मैं आपको बता दूं, चले थे 7:30 बजे, कितने बजे चले थे 7:30 बजे, ध्यान से देखते जाओ चीजें समझ हो जाएंगी, चले थे कितने 7 बजे चले थे, कितने बजे चले थे एक व्यक्ति चला था 7:30 बजे, और कितने बजे बाद मिलेंगे 2:30, तो इसमें 2:30 जोड़ दो, 2:30 और जोड़ दो, इसका मतलब ये हुआ साथियों वो 10 बजे मिलेंगे, क्या करेंगे 10 बजे वो मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे 10 बजे प्रातः। अब समझ नहीं लगा तो थोड़े दिमाग के घोड़े खोलो, तीन सूत्र है केवल हमको दे रखा है यहां पर, हमको ऑलरेडी चाल दे रखी है 10 किलोमीटर, दूरी दे रखी है 25 किलोमीटर, समय निकालना है ना, कितनी बार कहा है कि समय निकालने का सूत्र है दूरी बटे चाल, तो दूरी 25, चाल 10, 2.5 घंटे, और 7:30 में 2.5 घंटे जोड़ देंगे 10 बजे मिलेंगे। अगर समय निकालना होता तो ये क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो गया होता, पर ये ना कहे आपस में कितने बजे मिलेंगे। अब बताइए थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा, थोड़ा थोड़ा, दसवीं क्लास के बाद पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा, बताओ बताओ, थोड़ा थोड़ा आने लगा मजा, मैथ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, अच्छा लग रहा है अंदर से, कॉन्फिडेंस आने लगा, अंदर से आने लगा कॉन्फिडेंस, मजा आने लगा, बताओ, बोलो कॉमेंट्स करके बताइए मुझे। अब मैं आपके कॉमेंट ले लेता हूं, अभी और पढ़ाना है मुझे, अभी और पढ़ाना है, अभी और चलेगी क्लास आधी घंटा, अभी आधे घंटा और रुक जाओ अभी ना, अभी थोड़े 2-4 क्वेश्चन और घट रहे हैं अभी, अच्छे अच्छे उनको पढ़ा कर ही जाऊंगा, ताकि कल मैं दूसरी प्रश्नावली शुरू कर सकूं, क्योंकि मुझे फटाफट से इस प्रश्नावली को कंप्लीट करना है। अब मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, समझ आने लगा, वेरी गुड, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आने लगा, सब लोग कमेंट करो, ताकि मैं फिर बाद में ये मत कहना कमेंट नहीं देख रहे हमारा। अरे चाल कितनी है, चाल है साथियों 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, देखो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, और एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो चाल हमारी 10 आ गई है यहां पर। और बताओ एक बार है ना, दिल से लाइक कर दो, अगर जिन्होंने कर रखा है वो मत करना, क्योंकि वो दोबारा अनलाइक हो जाएगा, नहीं तो जिन्होंने नहीं किया वो लाइक कर दो मेरे कहने से। मेरा छोटा बेबी है, मुझे नोट्स चाहिए, मैं क्लास में कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, नोट्स मिल जाएंगे ना आपको, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, क्लास के बाद में आधी घंटे बाद में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर लोकेश बाली, देखो अभी जाकर मैं बता रहा हूं, देखो मुझसे बार बार मत पूछना, मैं बोल चुका हूं ये वाला टेलीग्राम चैनल है, ये वाला, रुको बता रहा हूं, ये वाला टेलीग्राम चैनल है जिसमें लगभग 5,000 के आसपास अभी लोग जुड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने 4-5 दिन में 5,000 लोग कर दिए, मुझे लगता है कि अगर कोई वीडियो इसको 6 महीने बाद अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो इस टेलीग्राम पर जुड़ने वाले लोगों की संख्या लाखों में हो जाएगी तब तक, तो अभी इसकी संख्या लगभग 5,000 के आसपास है, आप डॉक्टर लोकेश बाली लिखो और यहां पर इसको आप ज्वाइन कर लेना, यहां पर मैं रोज क्लास के बाद में टेलीग्राम पर
डालता हूं डेट के हिसाब से विथ आंसर की आपको नोट्स मिलेंगे। मेरे नोट्स आपको मैथ के अलावा, मैथ मैं केवल हिंदी में पढ़ाऊंगा, मैथ और रीजनिंग, इसके अलावा सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। तो अभी थोड़ा मैथ को थोड़ा मैनेज कर लीजिए यार हिंदी में, है ना। ये बहुत जल्दी 5000 हो गए यार, मैंने तो 3-4 क्लास में तो बोला इतनी जल्दी 5000 हो गए, पता है इतनी जल्दी, मतलब ये लगा लो ये चैनल 3-4 दिन में 5000 हो गए। जिस प्रकार से आप लोग प्रेम दिखा रहे हो ना, 3-4 दिन में 5000 लोग हो गए। जब मैं क्लास खत्म करके जाऊंगा ना, आई थिंक जब तक 6000 भी हो जाए पता नहीं। तो आप जाओ इस डॉक्टर लोकेश वाले टेलीग्राम पर, आपको हर चीज आपको मिल जाएगी। चले चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का। साल का औसत हमसे पूछ रहा है, ये करो आप 22वें नंबर का करो, 2300 इसके बाद में करेंगे। अरे मजा आएगा, पूरा सिखा कर जाऊंगा, चिंता ना करें। ये भरोसे का हाथ है गाइस, ये भरोसा है, ये भरोसे का हाथ है। ये आपने इस हाथ को थामा है ना तो सफलता तक ही जाकर रुकेगा, ये वादा है मेरा। ये भरोसे का हाथ है, विश्वास का, आप लोगों के मेरे प्रेम का। बिल्कुल विक्रम, आप अपना आप शेयर किया करो। देखो ऐसा है यार, देखो अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूं इस चैनल पर जल्दी से जल्दी, पूरा से पूरा सिलेबस, तो आपका काम है वीडियोज को शेयर करना। एक तो दिल में पूरी ईमानदारी, ऐसा ऐसा मत करना जिम्मेदारी, नहीं ऐसा नहीं, दिल में प्रेम के साथ कि यार सर ने एक मुहिम शुरू की है और हमको इस मुहिम में हिस्सा बनना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। जब ज्यादा लोग क्लास में आएंगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूं ना वो काम आ रही है और आप लोगों तक पहुंच रही है। देखो मैं मेरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, ये वादा है मेरा। डेली क्लास लूंगा, डेली पढ़ाऊंगा पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन आपको भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि रोज जैसे ही क्लास का पता लग जाए आपको अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हर जगह लिंक को शेयर करना है और आपको डेली क्लास में आना है। आपको भी डेली क्लास में आना, आप ये वादा करो। जिन लोगों का पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी इस एग्जाम में फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप लोग फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए। आंसर दो फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा इसको, क्या आंसर आ रहा है बताओ 22 का। चलिए आंसर दो फटाफट से। अरे लाइब्रेरी साइंस का पेपर से मैं तैयारी करना है सर प्लीज। लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ाता बेटा मैं, मेरा सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ पेपर वन में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। फॉर्म जैसे ही निकलेंगे मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। म्यूजिक को बंद कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोग, एक बच्चा कह रहा है कि सर म्यूजिक से थोड़ा इरिटेशन होती है, म्यूजिक को बंद कर दीजिए। म्यूजिक मैंने आप लोगों के लिए लगाया था, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को थोड़ा एनर्जी मिलेगी। अब ठीक है, अब बंद कर दिया, मुझे लगा आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी इसलिए। चलिए गाइस अब हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से तो मुझे पता है क्वेश्चन नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, एक गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, यानी कि चाल क्या है उसकी 80 किलोमीटर प्रति के हिसाब से, उसकी गति है यानी चाल, यहां पर क्या है इसकी गति,
ऑब्लिक साल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति आर, ठीक है। उसे 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? हमको दूसरी चीज क्या दे रखी है? दूरी दे रखी है। दूरी बराबर कितना है? 2.3 किलोमीटर। भाई इतनी बात समझ लग गई क्या आपको? क्या आपको इतनी बात समझ लग गई क्या? मैंने जो लिखा है वो इतनी बात समझ लग गई एवरीबॉडी? क्या आपको इतनी बात समझ लग गई? अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है समय पूछा है। तो मैंने समय के लिए आपको एक सूत्र लिखवाया था। कितने लोगों को समय का याद है? समय का सूत्र बताओ मुझे। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, चाल मतलब गति। ये सूत्र लिखवाया था मैंने क्लास के स्टार्टिंग। अब इसी के अनुसार हम संख्याओं को यहां पर, अब हम इसी के अनुसार संख्याओं को जमा लेंगे। तो सबसे पहले दूरी कितनी है हमारी? 2/3। बताओ कितनी है दूरी? 2/3 हमारी दूरी है। बटे क्या है? चाल है 80। क्या ये चीज समझ लग गई है मैंने कैसे लिखा है? ये चीज समझ लग गई क्या मैंने कैसे लिखा है? ये चीज समझ लग गई क्या मैंने कैसे लिखा है? बताओ ये वाली, बताओ ये वाली समझ लग गई क्या? लाइब्रेरी साइंस एंड एकेडमी पर नहीं है बेटा। भाई ये वाला पॉइंट समझ लग गया क्या मैंने कैसे लिखा है? यार ये वाला इतना हाँ करो एक बार, लग गया है। अब मैंने पिछली क्लास में आपको एक नियम बताया था, कि आप इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। 8 × 16 = 160 / 3 कर दो। मैंने आपको पिछली क्लास में यह चीज बतलाई थी। कि ऊपर से नीचे की संख्या को गुणा कर दो और नीचे की संख्या का भाग दे दो। अब 160 में 3 का भाग आप दे दीजिए, काट लो इसको, 100 इसको काट लो पहले, तो 160 में 3 का भाग दे लो आप लोग, दे के बताओ थोड़ा, देखो एक्सरसाइज करो आप लोग। मैं आपको कर लेता हूं, चलो 3 का भाग दें। 3 × 3 3 × 2 = 6 3 × 6 = 12 3 × 5 = 15 क्या गया बेटा? 3 × 5 = 15 इसको कितना गया? 5 बार कट गया, बचा 1। 3 × 3 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 कितना आ गया? 53 आ गया। 3 × 3 = 9 बच गया 1। अब 53 पॉइंट कुछ होने वाला है, क्या साथियों? यहां पर 53 पॉइंट के आसपास कुछ यहां पर होने वाला है, यानी कि अब 0.5 के आसपास लगा दो। ये जो संख्या निकल रही है 0.5 के आसपास निकल रही है, तो लगभग इतना मिनट का समय इनको लगेगा। क्या लगेगा साथियों? 0.5 के आसपास का समय इनको लगेगा। एक लमसम अमाउंट आ गया है कि इतना, एक इतने मिनट के आधार पर यहां पर 30 मिनट के आसपास यहां पर निकल जाएगी। ये हमारा आंसर आ चुका है। एक तरीका और है इसका करने का, भिन्न के हिसाब से। या तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, या इसकी भिन्न बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करना ही आसान होता है। अब बताओ, चाल, दूरी, समय, ये प्रश्नावली के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपका क्या सुझाव है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप में से कितने लोग सही करते हैं, यह चीज को बतलाऊंगा। अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही उसे 90 किलोमीटर, या इसकी जगह मैं 90 किलोमीटर लिख रहा हूं,
90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये आंसर, ये बना दीजिए, इसको मैं 90 बना रहा हूं, 9 और 0। अब करो इस सवाल को, अब समय निकालो, इसका समय निकालो, आंसर दो, कमेंट में आंसर देना। ये देखो क्वेश्चन गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्वेश्चन में इसलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहां पर इन्होंने उल्टी पुल्टी संख्या दे दी। अगर सीधे सीधे कोई संख्या होती तो आप तुरंत कर दो, कर देते। इसको करिए अब, चलिए इसको करिए अब, और कमेंट में आंसर दो दीजिए। आंसर दो, अरे कैलाश राठौड़ अनअकैडमी पर लाइब्रेरी साइंस नहीं है, कितनी बार बोलूं भाई, नहीं है। और जिनका सब्जेक्ट है वो ज्वाइन करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं कैलाश राठौड़ ब्लॉक कर दूंगा अगर बार बार कमेंट किया तो। एक ही कमेंट को बार बार मत करो बेटा, मैं यहां से ब्लॉक करने का ऑप्शन भी आता है। एक बार सुन ली आपकी बात का जवाब दे दिया। सर कैसे आया समझ नहीं आया। देखो इधर देखियो, एक गाड़ी 80 किलोमीटर की घंटे की गति से चल रही है, तो गति या अर्थात चाल कितनी है बेटा? 80 किलोमीटर के हिसाब से हमारी गति और चाल है, ठीक है। दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर की है। दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर की है। पूछ क्या रहा है हमसे? समय पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। यह सवाल है। गति 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, दूरी 90 किलोमीटर है, समय कितना लगेगा, यह सवाल हमसे पूछा है। तो जब भी हमसे समय पूछा जाए तो मैंने आपको कितनी बार कहा, एक सूत्र को याद रखना, समय निकालने का सूत्र है, समय निकालने का सूत्र मुझे कमेंट्स करके बताओ क्या है, बताइए मुझे कमेंट निकाल कर समय बताइए। दूरी बटे गति, दूरी बटे गति, यह है समय निकालने का सूत्र, दूरी बटे गति। तो हमारी दूरी क्या है यहां पर? हमारी दूरी है साथियों यहां पर 90 किलोमीटर। कितनी है? 90 किलोमीटर हमारी दूरी। तो हम यहां क्या करेंगे? 90/80 कर देंगे। तो अब 80 में इसका भाग दे दीजिए आप। 80 में अगर 90 का अगर भाग दे देते हैं तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भाग दे लो, लो कितना आया है। वैसे तो काट पीट के तो आ ही जाएगा, 90 में भाग दे दो 80 का, 1.1 के आसपास का ये आंसर आ रहा है, 1.1। इतना इसको क्या लगेगा? इतना इसको समय लगेगा, एक घंटा 10 मिनट के आसपास इसको समय लगेगा। बात समझ लगी गाइस? एक तो इतनी ज्यादा लाइट होती है ना रूम में, मेरी आंखें दर्द करने लग जाती है जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, तो बहुत ज्यादा लाइट जलानी पड़ती है। बात समझ लगी गाइस आपको? अभी तक आप में से इतने कितने लोग हैं जिनको ये चीजें, जिन्होंने लाइक नहीं किया इस वीडियो को? आइए इस क्वेश्चन के अलावा हम और क्वेश्चन एक बार यहां पर देख लेते हैं। चलिए सर, ये कॉन्फिडेंस आने लगा है कि 10 के बाद अभी पढ़ना शुरू किया है। अरे मैं आपको पूरी मैथ पढ़ा दूंगा, वो कहते हैं ना एक दिन में कोई आर्यभट्ट नहीं बनता, इसलिए समय लगेगा आपको थोड़ा,
पढ़ते रहना पड़ेगा, डेली क्लास में आना पड़ेगा, डेली क्लास में आना पड़ेगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप मान लो एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे, आप लोग किसी दिन आ रहे हो किसी दिन नहीं आ रहे हो, तो पार नहीं पड़ेगी। अगर आप डेली आओगे तो हम लोग डेली सीख लेंगे। और बताओ, अब मैं आपके कमेंट्स लेने वाला हूं, बतलाइए। वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो आप लोग। विक्रम कह रहे हैं सर अब कॉन्फिडेंस आने लगा है, 10 के बाद अभी पढ़ना शुरू किया है। बिल्कुल चिंता मत करो, अब बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन जिनको थोड़ा कम समझ आया है ना, वो इस वीडियो को दोबारा से देखना, एक बार फिर से देख लेना, आपको सबको समझ आ जाएगा। सर एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पेपर होने होंगे क्या? मुझे एमपी का कोई आइडिया नहीं है कि बेटा कितना होगा, पर नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होगा। अगर नोटिफिकेशन आ गया तो उसको पढ़ लो, नहीं आया तो थोड़ा वेट करो उसका। मेरे हिसाब से जून के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, मार्च के लास्ट में निकल जाएंगे फॉर्म। थैंक यू सौरभ भाई, सौरभ यादव, कुलदीप कुमार पंडित। सेकंड पेपर क्या है कुलदीप आपका? सेकंड पेपर क्या है आपका?